महाराष्ट्र में नई सरकार गठन के बाद सियासत गर्मा गई है। बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री और अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवसेना के लिए ये सबसे बड़ा झटका जरूर साबित हुआ होगा, क्योंकि शिवसेना ने सोच लिया था कि उसके बिना सरकार बन ही नहीं पाएगी। जिधर शिवसेना जाएगी सरकार उसी की बनेगी। कुछ दिन पहले तक तो यही संभव होता भी दिखाई दे रहा था, लेकिन शनिवार सुबह जो भी कुछ हुआ उसने शिवसेना के भ्रम को तोड़ दिया। हालांकि महाराष्ट्र की सियासत को लेकर महाराष्ट्र के बड़े नेता नितिन गडकरी ने कुछ समय पहले एक बयान दिया था। जो बयान नितिन गडकरी ने दिया था वही बयान शनिवार को सच साबित होता दिखाई दिया। दरअसल महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद नितिन गडकरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने हाल ही में कहा था कि क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी संभव है। अब आप समझ गए होंगे कि मेरे कहने का क्या मतलब था। गडकरी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में अचानक हुए इस बदलाव के बाद अब नितिन गडकरी के उस बयान का मतलब आसानी से समझा जा सकता है। वाकई अगर देखा जाए तो राजनीति में कुछ भी संभव है या असंभव नहीं है। जो नेता शुक्रवार को ये सोचकर चैन की नींद ले रहे थे कि कल एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा या ये बात कन्फर्म हो जाएगी कि महाराष्ट्र में सरकार कब और कैसे बनेगी, उन्हीं नेताओं की सुबह की नींद इसी खबर से टूटी कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। वाकई ये बेहद चौंकाने वाला पल था। हालांकि अजीत पवार के बीजेपी को समर्थन करने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए और इन दोनों पार्टियों के पास अपने विधायकों को बचाने की चुनौती आ खड़ी हुई है। खबर तो यह भी मिल रही है कि कांग्रेस अपने विधायकों को किसी होटल में शिफ्ट कर चुकी है। सोचिए विधायकों पर क्या बीत रही होगी। हालांकि इन सबके बावजूद अगर किसी के सपने चूर हुए हैं, किसी के सपने टूटे हैं, तो वो है शिवसेना, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए शिवसेना ने बीजेपी के साथ नाता तोड़ा। कांग्रेस एनसीपी के साथ विचारधारा को किनारे करते हुए सरकार बनाने का फैसला किया, इसके बावजूद सरकार नहीं बना पाई, मुख्यमंत्री शिवसेना का नहीं बन पाया। वहीं अब बीजेपी के सामने चुनौती है कि वह सदन में बहुमत साबित करके दिखाएं। देखना है आगे क्या होता है, क्योंकि यह सियासी घमासान इतना जल्दी शांत तो नहीं होने वाला। मैं हूं अविनाश, कैमरे में सहयोग कर रहे हैं अभिनव, आप देख रहे हैं द चौपाल, देखते रहिए। नमस्कार।